दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वांटम जैम्पर में। आज के एक्सपेरिमेंटल व्लॉग में हम देखने वाले हैं कि हम किसी लैंडिंग पेज को कैसे कॉपी करेंगे और उसमें कुछ सेवरल चेंजेस करके फिर उसके बाद हम उसको डाउनलोड करेंगे। और आज हम लोग एक स्टॉक टाइप का, एक जो मेरे फेवरेट होने वाला है, आई थिंक बहुत जल्दी, उसका नाम है टेलीपोर्ट HQ। उसमें हम लोग चेंजेस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। बट मैं इस लाइव एक्सपेरिमेंटल वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और उसमें भी कुछ एडिट कर पाऊँ। अदरवाइज़ वहाँ पे अगर मुझे फ्रॉम स्क्रैच से बनाना हो तो दैट इज़ वेरी गुड। तो लैंडर लैब और टेलीपोर्ट HQ का रोल इसमें होने वाला है इस वीडियो में। और एक हम खासकर टूल की बात करेंगे, डब्लू कैट, कि कैसे किसी हम लैंडिंग पेज को कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए क्योंकि मैं लैंडिंग पेज का मास्टर हूँ और मेरे पास किग है, फाइवर पे बेस्ट सेलर में रह चुका हूँ। बेस्ट सेलर नहीं, लेवल 1 सेलर तक पहुँचा था बट पीछे हो गया बहुत सारे रीजन से, मैं बात मत करूँगा। चलो चलते हैं, देखते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम लोग मनचाही से आज किसी एक प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट मैं कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि स्प्लिट इस मनी, मैं कुछ भी ले लेता हूँ जो कि एक न्यू लैंडिंग पेज हो बस। अब ये लैंडिंग पेज आप देख पा रहे हो If your कि sales aren't as strong as you'd like them to be, ठीक है, इसमें एक वीडियो चल रही है वगैरह वगैरह, इसमें एक ये आ रहा है। फिलहाल हमें वो लैंडिंग पेज कैप्चर करेंगे जिसमें ये क्या बोलते हैं, वो इंटर लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह टाइप का ना हो, जैसे कि स्क्वीज पेज टाइप का ना हो। स्क्वीज पेज मतलब कि इसमें कोई ईमेल आईडी और वगैरह वगैरह नाम ना डाले। तो सिंपल हम कोई देखते हैं जैसे कि गूफी शॉर्ट्स AI करके है कुछ, तो हम लोग ऐसा कुछ एक रैंडमली चूज़ करें, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ जानबूझ के चूज़ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये लैंडिंग पेज पसंद आया और ये बहुत ही वेल बिल्ट है और जिसने इसको बनाया होगा काफ़ी सारे पैसे चार्ज किए होंगे इसको बनाने के। और खासकर आई थिंक कि गूफी शॉर्ट्स का अलग से इन्होंने डोमेन भी ले रखा है। और अगर मैं उनके होम पेज पर जाऊँ तो होम पेज पर भी स्पेशल नहीं, होम पेज दूसरा है, होम पेज दूसरा है, उन्होंने दूसरा ही कुछ बनाया हुआ था उसके लिए। तो मैं चलता हूँ बैक क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अलग से एक लैंडिंग पेज बना हुआ है इनका ZV पे, तो हम इसको करेंगे कैप्चर। आई थिंक इन्होंने पेज बनाया, बट बाय द वे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि आप डायरेक्टली इस तरह का जो पूरा पेज है आप एलिमेंटर के ब्लॉग पोस्ट के एक में भी कर सकते हो। तो वो मैंने काम किया है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। ये मुझे काफ़ी पसंद है, हम इसको करेंगे, इसको लोग बनाने वाले हैं आज बहुत ही जल्दी। हम आते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप मेरा खाली है और मुझे अपने ये पृथ्वी वाला जो फ़ोटो है जो वॉलपेपर बहुत पसंद आता है। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ टर्मिनल को इनपुट करूँगा, एक कमांड दूंगा, कमांड मैं भूल चुका हूँ बट मैं पहले ट्राई करता हूँ कि इस कमांड से काम बात बनती है या नहीं। ओ सॉरी, ये मैंने स्पेस नहीं दबा, तो इंटर स्पेस और देखते हैं कि इससे बात बनती है कि नहीं। मैंने 2 सेकेंड में इस लैंडिंग पेज को कैप्चर कर लिया यहाँ पे और ये अच्छी तरह से खुला नहीं, जिसकी वजह से हम दूसरा कमांड ट्राई करेंगे और उसको बोलते हैं ये वाला। अब देखते हैं कि बात बन रही है या नहीं। तो दूसरे वाले कमांड में थोड़ा सा लंबा प्रोसेसिंग जा रहा है और ये बकायदा हमें फोल्डर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अगर इससे भी बात नहीं बनेगी तो मैं पूरा का पूरा कैप्चर ही कर सकता हूँ, बट देखता हूँ कि इससे बात बनती है कि नहीं। इससे मैक्सिमम हद तक मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। पहले हम इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में हम देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा साइज़ का हो चुका है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के मेथड में हमें क्लीन कोड मिलता है, जो कोड मिलता है वो काफ़ी क्लीन होता है। अभी भी प्रोसेसिंग हो ही रहा है हमारे टर्मिनल में, बकायदा में फोल्डर मिलता है जिसमें हम वो कर सकते हैं और अभी साइज़ का बढ़ चुका है तो, और अभी ये काम हो चुका है। तो मैं इसमें क्लोज़ करूँगा और फिर से हम ऑल्ट प्लस इंटर करते हैं तो हमें 3.86 का फाइल मिलता है। ठीक है, अब हम इसमें जाके देखेंगे हमारे पास में कॉमन एसेट में CSS, V इमेज है, इमेज में एक है और JVG पेज काफ़ी बड़ा है। एसेट्स में हमारे पास CSS इसका है और इसका इमेज है, इमेज में सारे इमेज आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे मेथड,
तो हम इसको देख लेते हैं 78, और ये बकायदे हमारा पूरा का पूरा लैंडिंग पेज आ चुका है। अब हम इसमें बदलाव करेंगे। ये वीडियो गोल माइन है जो देख रहा हो इस वीडियो को, तो हम कंप्रेस टू जिप करेंगे इसको, और हमारे पास इसका जिप वर्जन आ चुका है इसके नाम के साथ। फिर हम एंट्री मारेंगे लैंडर लैब पे। मुझे पता है आपको ये नहीं पता है, मैंने इन सब पे वीडियो बनाया हुआ है। अच्छा, लैंडर लैब डॉट कॉम नहीं है, लैंडर लैब आयो है, ठीक है। और इस पे नहीं जाना आपको, मैं जाना है लैंडर लैब डॉट लैंडर लैब डॉट आयो पे जाना है, ताकि हम सीधे एंट्री मार पाए अपने डैशबोर्ड पे। एक बार डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो हमें अपने काम को स्टार्ट करना है। तो मैंने काफ़ी अच्छा नाम दिया है यहाँ पे, जेनेटिव एक्स। अब मैं अपने डोमेन को चेंज करना चाहता हूँ, तो देखते हैं कि कर पाते कि नहीं। हाँ, हमारे पास जो डोमेन है वो एक्टिव है। आई थिंक हम और भी डोमेन्स को ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद इसे चेंज नहीं कर सकते, ऐड डोमेन करेंगे, सेलेक्ट प्रोवाइडर। ओके, हम डोमेन ऐड भी कर सकते हैं टेस्ट। तो अगर हम कोई डोमेन लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं बखूबी। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे पास अभी कौन सा डोमेन है। ये आप डोमेन लगा सकते हो, बट मेरा जो फ्री वाला डोमेन है इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, बट मैं फिर भी एक बार सेटिंग में जा कर के अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो भाई नाम अच्छी तरह से रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम आने वाला है और लैंडर लैब इस तरीके से आने वाला है। मैंने जेनेटिव एक्स मेरा एक न्यू नाम है, मैंने इसको दिया है। चलो, इस वीडियो के बाद मैं एक और बात करूँगा कि कैसे मेरा एक ऐप था लैंडिंग पेज के बारे में, तो उसको मैं अपडेट करूँगा प्ले स्टोर पर। आते हैं टॉपिक पे, हम लैंडिंग पेज में जाते हैं। ऐड लैंडिंग पेज में जाएंगे, हम अपलोड फ्रॉम जिप करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल उतना अच्छे से काम करता नहीं। मैंने खासकर सब ट्राई कर लिया है, और ये तो लेगा नहीं, ये लेगा। इसमें ओपन बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है ओपन, ये ले लेगा। तो हम इसको नाम दे देंगे, इसका नाम हम रखते हैं गूफी शॉर्ट AI, ठीक है, गूफी शॉर्ट AI। और हम इंटर करते ही इस तरीके से ये क्रिएट लैंडिंग पेज करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, बकायद भले ही आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो चना हो, क्योंकि थोड़ी सी फाइल्स वगैरह होती है अंदर, तो प्रोसेसिंग लेता है। जैसे कि आप कोई बड़ी फाइल पेस्ट करोगे कंप्यूटर में, उसमें छोटे 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 बहुत सारे फाइल्स होंगे ना, तो उसको प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है। उसी तरह यहाँ भी है, सारा कोडिंग का खेल है। अच्छा, मैं ये तरीका क्यों अपना रहा हूँ, ये तरीका मैं एडिटिंग का क्यों अपना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट भी एडिट कर सकता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट एडिट कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर इसमें जाऊँ तो मैं इसको डायरेक्ट एडिट कर सकता हूँ। ओके, बट अच्छा, एक तो मैं चीज़ भूल ही गया कि हमें इसको बाहर रखना है, तब जाके ये काम बेटर हो सकता है। बट ट्राई कर लेते हैं कि ये काम किया भी या नहीं किया, ये उसको डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम देख लेते हैं अभी। और क्या बताऊँ, ये तो अभी काम पीछे से हो ही रहा है, थोड़ा वेट ही कर लेते हैं। चलो, हो गया, और हम कंटिन्यू करेंगे इसका। अच्छा, फिर से ये आ गया, ठीक है, कैनवास लोड हो रही है इसमें, मतलब जो डैशबोर्ड होता है कैनवास में, अपने एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम कैनवास पड़ता है। और ये आया तो, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं आ पाया जितने अच्छे तरीके से मैंने सोचा था। आई थिंक उसी एक रीज़न के वजह से, जो रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा इसमें जाऊँगा और इसको मैं करना चाहता हूँ डिलीट। डिलीट कर लेता हूँ मैं इसको, डिलीट कर लेता हूँ। हम दोबारा करेंगे वही काम, तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। हम लोग करेंगे कंप्रेस टू जिप, और जिप आ गया यहाँ पे। करेंगे ऐड लैंडिंग पेज, अपलोड जिप। अगर अभी भी ये काम नहीं करता है तो ये मेरे लिए भी नया होगा, और फिर इसके बाद मैं कुछ अल्टरनेटिव प्लान ही सोचूंगा। शॉर्ट इसे ये काम करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही मुझे क्लीन कोड मिल पाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसकी, तो हमारे पास HTML का फॉर्म अलग है, एसेट्स में हमारे पास CSS है सारे, CSS को हम शायद खोल सकते हैं। ओपन करेंगे तो विजुअल, ओके विजुअल में कर लेते हैं विजुअल, तो हम सारे CSS को देख पाएंगे यहाँ पे। ओके, तो ये सारे CSS हमारे पास आ गए, और काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा CSS इसके अंदर है।
तो हमें थोड़ा सा इसके नॉलेज करना पड़ेगा, तब जाके आई थिंक सब कुछ बेटर हो पाएगा। इमेजेस भी बहुत सारे हैं तो इमेजेस को लगाने पड़ेंगे। ये बात सही है। और इसको अगर हम लोग ओपन करें, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये सारे के सारे हमारे पास इसके कोड आ गए। हम इनको यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं अगर जो भी करना हो, तो हम लोग कोर एडिटर से भी कर सकते हैं, और ब्लू ग्रिफन भी हमारे पास है अगर विजुअली करना हो तो। ये तो बात रही डायरेक्ट की, बट मैं बात कर रहा था लैंडर लैब की, और ये कैनवास इस तरीके से लोड हो रहा है। और एज एक्सपेक्टेड काम तो बना, इस बार थोड़ी सी चीज़ें सही आई, और द प्रॉब्लम इज़ कि उस तरीके से चीज़ें नहीं आई जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट किए थे, ताकि फिर हम यहाँ से उठा के कोड को वगैरह वगैरह चेंज कर पाते। तो लैंडर लैब यहाँ पे फेल हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा कि लैंडर लैब को मैं करूँगा बंद। और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। अब हम चलेंगे थोड़ा मैनुअल वर्क पे, और जिसको मैंने सोचा है वो करने के लिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है लाइव लाइव एक्सपेरिमेंटल व्लॉग, ठीक है, हिंदी टेलीपोर्ट HQ, नाम काफ़ी धांसू है। चलते हैं लॉगिन पे। अच्छा दोस्तों, मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरा जो चैनल था ये वाला स्विच K368, जो कि बहुत अच्छा नाम मैंने ब्रेनस्टॉर्म करके डाला हुआ था, तो इस पे मैं मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के वीडियोस डालूँ, और वे वीडियो का जो ऑडियो होगा वो मैं किसी AI का इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो मैं खुद ही रीड करूँगा। तो मैंने कुछ सोचा है, और एक वीडियो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँ किसी वीडियो में, ऐसे ही अलग से तो करूँगा नहीं, बट फॉलो कर सकते हो उस चैनल को अगर करना हो तो। चलो बैक, ये आ गया हमारा। ओके, इसको हम लोग खोलना नहीं है, इसको हमको डिलीट करना है, क्योंकि लैंड टेलीपोर्ट HQ में क्या होता है कि हम एक ही प्रोजेक्ट को एक टाइम पे एक ही बार बना सकते हैं, तो इसमें लिमिटेशन है, बट बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसके कोड को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब हम ब्लैंक में जाएंगे, और ब्लैंक में जाने के बाद आपको कैनवास बहुत अच्छा मिलता है, इसका बहुत ही सुंदर कैनवास मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आएगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, आपको स्क्रॉल थोड़ा करना है नीचे, और इसके बाद सब कुछ देख पाओगे। इसका मुझे जो इंटरफेस या फिर इसका कैनवास जो बोलो, वो किसी भी आज तक के, देखो सबसे पहले मुझे पसंद आया था एलिमेंटर का, फिर उसके बाद मुझे पसंद आया ब्रिजी का, ब्रिजी के बाद बहुत सारे और हैं, लेकिन सबसे जो मेन मेन पसंद आया एलिमेंटर ब्रिजी, फिर मुझे ये नज़र आता है यार इसका जो इंटरफेस है यह कमाल का है। बस एक बार इसको सीख जाओ ना, तो आप जो लैंडिंग पेज बनाने वाले हो ना, वो खासकर HTML बनाने वाले हो, वो भी बहुत ही क्लीन, और जब तक ये अगर इनका इस तरह चलता रहा, तो आप डायरेक्टली HTML5 उसको डाउनलोड कर पाओगे, जो कि मुझे ही सबसे कूलेस्ट चीज़ लगता है। और मैंने एक लैंडिंग पेज बना भी था, बट आई थिंक उसका मैं रिकॉर्डिंग किया नहीं, इसलिए आपको दिखा नहीं, बस एक वीडियो मैंने डाला है, वो काफ़ी नौसिखिया वीडियो है, बट मैं थोड़ा सा और भी इसको इम्प्रूव कर चुका हूँ। मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया है इसके थ्रू, और मैं आपके साथ वो लैंडिंग पेज शेयर भी करना चाहता हूँ। अच्छा, शेयर मैं करूँगा ऐसे, क्योंकि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है, तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बनाया था मैंने, और अच्छा था, मतलब शुरुआत फर्स्ट टाइम पे मैंने बनाया था इसको यहाँ पे। ओके, बताना चाहता हूँ कि जब आप करोगे तो इस तरीके से नाम आ जाएगा यहाँ पे, और आपको CSS का अलग कंपार्टमेंट मिल जाता है। बाय द वे, कोडिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग एक फैसिनेटिंग चीज़ है, जो कि अभी तक मैं इसमें एंट्री मारा नहीं। अपलोड में ये प्राइवेट फाइल्स आपको भूल जाना है, इस पब्लिक में सब कुछ करना है, और यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह ही कर सकते हो, ये आपको कुछ फोटोज़ अनस्प्लैश मिलते हैं, अनस्प्लैश से इस बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि अनस्प्लैश ज़्यादा स्टॉक फुटेज प्रोवाइड करवाता है फोटोज़ की बात करें तो। फिर एक्सप्लोरर में हमारे पास पेज है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट मैंने जल्दी सीखा है कि कंपोनेंट आप खुद का कंपोनेंट बना लो, फिर उसको बार बार आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। और एलिमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं, और कहीं भी ये प्रो वगैरह लिखा नहीं है, तो आप हर एक चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हो। एलिमेंट में आपको ये एलिमेंट मिल जाते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो, और जो भी एलिमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे उसका एडिटिंग यहाँ पे होने वाला है। तो टेक्स्ट लेआउट है, कलर है, आपको इसको इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कलर और टेक्स्ट में प्ले करना है,
नहीं ये तो कलर हो गया, जैसे मान लेते हैं कि हमें ये यहाँ पे डाल दिया, इसके बाद द विजुअल और एडवांस में आएगा, तो ये दोनों को ही आपको आप डिटेल में जा सकते हो। और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप टैब या फिर मोबाइल का ऑप्शन मिल जाता है, चार ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे अनडू रीडू का ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बार जूम क्लिक करोगे तो आपको ये कैनवास में काफ़ी फिट आता हुआ दिखेगा। 125 इज़ बाई डिफॉल्ट आई थिंक, बट इन्होंने ये ऐसे करके देते हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा। और एक बार प्लस मारोगे आप तो आपको इस तरीके का दिख जाएगा। उसके बाद आप चीज़ों को आप यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से, आई थिंक कंटेनर्स वाला सिस्टम जो है ना वो एलिमेंटर पे भी आ चुका है। अब वहाँ पे रो सेक्शन वाला सिस्टम जा रहा है आई थिंक। मुझे हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है यार कि कंटेनर्स ये सेक्शन रो वगैरह में कन्फ्यूजन रहती है, बट मैं काफ़ी सारे लैंडिंग पेज अपनी लाइफ में बनाया हूँ। चलो बताता हूँ रोज़ कॉलम्स में बताता हूँ। तो रोज़ के अंदर कॉलम कॉलम वर्टिकल जा रहा है, रोज़ जो है हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो मैं देखता हूँ कि एक, हाँ ये सही बात है कि आप एक ही कंटेनर के अंदर बहुत सारे कंटेनर को डाल सकते हो। देखो आप ये सारे अलग अलग है गैस, यहाँ हाँ ओके, मैं डिलीट करता हूँ डिलीट करता हूँ डिलीट करता हूँ, ओके ये बहुत सारे कंटेनर एक कंटेनर के अंदर चले गए। तो बहुत ही डिटेलिंग में जा सकते हो आई थिंक आप, ये टेक्नोलॉजी तो न्यू है। और ये क्या है भाई, ये अच्छा ये बीच वाला सिस्टम है, तो अंदर कुछ करना हो काम तो वो कर सकते हो। ओके ये भी कंटेनर ही है बाय द वे। तो आपको ये मेन चीज़ है, मेन समझना है, ये पूरा कैनवस ले रहा है ठीक है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, और इसको हम लोग भी इसको भी हम लोग काम छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो बात तो सेम हो गई। कुछ अलग क्या है, ओके। और फिर अगर बात करें इसकी तो ये ओके, ये भी सेम टू सेम ही है, कंटेनर ही है। तो मुझे भी इतना डिटेलिंग नहीं पता है, बट कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। और तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कैसे हम उस लैंडिंग पेज को यहाँ तक लाएं, तो चले चलते हैं अभी कुछ फैसिनेटिंग वाली चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। तो हमने इसको बाहर कर लिया है, जेवी पेज में एस एच है, सी एस एस है, और स्टाइल डॉट सी एस एस इमेज में हमारे पास बहुत सारी इमेज है। तो अभी अगर मैं कोडिंग में अगर नया हूँ तो यहाँ पे आपको जनरेट कोड का ऑप्शन मिल जाता है। क्योंकि जनरेट कोड अभी खाली है इसलिए क्योंकि अभी हमारे लैंडिंग पेज में कुछ है ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये होम डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस करके है और होम डॉट जे एस है। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलेगा और आपको करना है एच टी एम एल सेलेक्ट, उसके बाद आपको मिलेगा होम और होम सी एस एस, और आई थिंक यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, चलो देखते हैं। क्योंकि कहीं भी किसी भी वीडियो में टेलीपोर्ट एच क्यू का खासकर तो जिक्र नहीं है, और अगर है भी तो इस टॉपिक को किसी ने टच नहीं किया है, और ये मैं करता हूँ, और बहुत ही अंडर एस्टिमेट होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा अंडर रेटेड होने वाला है। आपको इस वीडियो को पहुँचने के लिए सर्च करके भी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि मैं टाइटल से देने वाला हूँ, टाइटल मैं ऐसा देने वाला हूँ उस वीडियो का कि आप सर्च करके भी पहुँच नहीं पाओगे, और पहुँच भी जाओगे तो ये सिर्फ हिंदी में है, तो ये खास इंडियन यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाता है जिस वीडियो को मैनुअली देख रहे होंगे। मुझे पता है व्यूज़ तो आएगा नहीं इस पर, बट ये गोल्ड माइन वीडियो है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इस तक पहुँच चुका है और जो इस इंडस्ट्री में है उसी के लिए ये लिमिटेड है। अगर वो डिस्कवर कर लिया मेरे इस वीडियो को तो वो बहुत कुछ जान जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन में क्या है और इमेजेस में एक ही है, तो हम कॉमन का जो है सिस्टम छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा आई थिंक कि सारा का सारा जो सिस्टम है जेवी में है। तो एचटीएमएल कोड हमारे पास यहाँ है और इसका जो साइज़ है वो 78 KB। तो हम इसको करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड में इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम करेंगे सिंपली अपने सारे कोड को कॉपी, और आप देख लो कोडिंग कितना ज़्यादा है। अगर आप कोडिंग करके लैंडिंग पेज बनाओगे इतने सारे तो आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, और पता नहीं कितने समय और दिन लगा दोगे, हाँ बहुत ज़्यादा समय लगा दोगे आप। तो मैं कॉपी ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, नहीं बंद नहीं, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्या भाई पेस्ट हुआ नहीं, अच्छा यहाँ पे पेस्ट का सेक्शन नहीं है क्या, डिलीट भी नहीं कर सकते पेस्ट भी नहीं कर सकते, क्या चल क्या रहा है मतलब।
ओह माय गॉड, सो आप इसमें पेस्ट नहीं कर सकते यार, पेस्ट नहीं कर सकते हो आप? ये तो मैंने ना सोचा ना ट्राई किया है, इसलिए तो कहता हूँ ये एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग है और इसमें जो होने वाला है मैं भी शॉक होकर रहूँगा। और तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं कि इसमें आप पेस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि हम इसमें चीज़ों को बना नहीं सकते, हम इसमें लैंडिंग पेज को बना नहीं सकते। और ये कोड एडिटर बस है कहने को, बट इसमें जो हम लोग कोडिंग जो करेंगे उसका HTML CSS यहाँ पे आ तो जाएगा, बट हम इसमें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। प्रैक्टिकल वीडियो है ये, आप AI से भी सर्च मारोगे तो उल्टे सीधे आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद मारा था AI को, और AI के थ्रू ही, बिंग AI के थ्रू ही मैं इस टेलीपोर्ट तक पहुँचा था। और चीज़ों को पूछने के बाद AI मुझे यही बोला था, यस यस यू कैन डू इट डू इट डू इट। हाँ ज़रूर मैं चीज़ों को कोडिंग को मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टिंग द कोड तो आप ये नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, तो ये एक लिमिटेशन है। बट हाँ लैंडिंग पेज बनाने के लिए आई थिंक कि मैं नेक्स्ट टाइम से इसको यूज़ करूँ, बहुत ही कूल है, और आपको कोई एलिमेंटर वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एलिमेंटर को बनाओगे तो मेरा काम HTML में हो चुका है, अभी शिफ्ट हो चुका है, तो मुझे फिर से उसको HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं टेलीपोर्ट के सीखता हूँ तो बात थोड़ी अलग होगी। ये रीड मोर आता है ऑप्शन यहाँ पे। अच्छा अभी अगर ये काम नहीं हो रहा है तो कोई मतलब बनता नहीं है। और CSS में अगर हम जाते हैं तो बटन क्लास में ये सब क्या है? अच्छा ये सारे कुछ कोड्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेलीपोर्ट्स नो। तो बहुत बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ मैं आप सभी को कि कंपोनेंट न्यू पेज क्या आप इसमें काम नहीं कर सकते, और आज के बाद से मैं सोचूंगा नहीं कि टेलीपोर्ट HQ में मैं कोड को इंपोर्ट कर लूँ। अब एक और एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूँ लैंडर लैब के साथ में। बाय द वे टेलीपोर्ट HQ का जो, अरे यार ये नहीं आना चाहिए, app.landerlab.io। तो लैंडर लैब अभी कम्प्लीटली फ्री है और मुझे पता है बहुत जल्दी ये पेड़ हो जाएगा जब इनके पास कुछ यूज़र बेस आ जाएंगे। तो देखो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ यार कि आज मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ कल पेड़ हो जाएगा तो फिर मरो उसके लिए, क्योंकि हम चीज़ों को सीखते हैं टाइम लगा के, किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं, किसी भी इंटरफेस को सीखते हैं, उसके हम आदि हो जाते हैं, और जब आदि हो जाते हैं ना तो फिर वो कंपनी वाले इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि अब हम इसको पेड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात है यार, बिज़नेस की बात है। आप किसी भी चीज़ को अगर आप आदि हो जा रहे हो या फिर इसको कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो आप उससे पैसे भी तो बना रहे हो ना यार, तो आप उसको करो। बट अगर आप जितना दिमाग दौड़ाओगे ना, चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं ऐसी बात नहीं है, तो बस आपको दिमाग को दौड़ाने की देरी है। चूज़ फ्रॉम टेम्पलेट, अपलोड फ्रॉम ज़िप, इम्पोर्ट फ्रॉम URL। अच्छा इसका अभी URL फीचर देख लेते हैं कितना तगड़ा है, काम कर लेता है। तो जो URL है वो, अच्छा चलो हम जाते हैं हिस्ट्री में क्योंकि वो गायब हो चुका है। ये था आई गेस शॉर्ट GB, ये GB पेज था, हाँ ये था। हम इसे करेंगे कॉपी, करेंगे क्लोज अगेन और देखते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से कॉपी करता है, बिकॉज मैंने इसका ऐड भी देखा हुआ है। गूफी कर लेता हूँ सिर्फ, ऐड भी देखा हुआ है कि आप किसी भी पेज को तुरंत उसको कॉपी करके उसमें तुरंत चेंजेस करके आप चीज़ों को बना सकते हो। हाँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर लेना ही किसी लैंडिंग पेज का खासियत नहीं है, कॉपी करके करो क्या, आप सेम टू सेम कॉपी कर लोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा इलीगल टाइप का काम होता है वो, और उसमें अगर एडिटिंग चेंजेस नहीं करोगे तो वो पर्सनलाइज नहीं हो पाता है, चाहे आपके लिए चाहे आपके क्लाइंट के लिए। तो पर्सनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए एडिटिंग का हम जो झंडा गाड़ने गढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो मैं उसकी तलाश में हूँ। बाय द वे अगर आप थोड़ा पेड मेथड में जाओ तो 10 वेब अवेलेबल है, ये कम्प्लीटली AI है और ये आपका काम काफ़ी आसान बना देगा, बट आपको चार्ज करने वाला है ये पैसे। प्राइसिंग में जाऊँ अगर तो मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, बहुत, अगर आप देखो मंथली प्लान लोगे ना तो आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। मैं मंथली प्लान में दिखाता हूँ,
मंथली प्लान आपको 20-25 डॉलर पड़ जाएगा यार, क्यों इतना कम दिखा रहे हैं? हाँ, ये 25 डॉलर तक तो जाएगा आपको, बिजनेस प्लान या फिर ई कॉमर्स एजेंसी, ये तो और महंगा है। बिजनेस प्लान ये 25 डॉलर चल जाता है। वही आप एनुअल में जाओगे ना तो आपको एक साल का, अच्छा बाय द वे ये एक साल का दिखा रहा है आपको 20 डॉलर, वैसे आपको सिर्फ अगर आप एक महीने के लिए जाओ तो आपको 25 डॉलर पड़ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कितने पड़ते हैं एग्जैक्टली। अभी सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओके, ये तो बोला 3.3। अच्छा चलते हैं इसको। हाँ ये देखो, तो गेट इट फ्री बोल रहे हैं, ये तो क्रेडिट कार्ड लगाने पे आई थिंक फ्री होगा एक मंथ के लिए कुछ, या कुछ कुछ दिनों के लिए ये आई थिंक फ्री ट्रायल देगा। गेट इट फ्री, क्यों फ्री यार? अच्छा यहाँ पे असली बात बनेगी। तो 20 डॉलर पर मंथ है, और 20 डॉलर पर मंथ है, समझ गए? अब इसको आप अगर मैन एनुअली जाओगे ना तो आपको ये मात्र 40 डॉलर में ही पड़ने वाला है। तो एक मंथ में कहाँ आप 20 डॉलर दोगे, कहाँ आप 40 डॉलर में एक साल के लिए। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि जब भी जाओ तो एक साल वाला प्लान के लिए जाओ, और मैं डेफिनेटली इसको मैं लूँगा यार, क्योंकि ये बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को कॉपी करता है और आपको एलिमेंटर का सपोर्ट देता है। अब एलिमेंटर से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ओके ओके ओके, और ये तो बोल रहा है कि पे नेक्स्ट पेमेंट ऑफ 40 डॉलर विल बी चार्ज ऑन नवंबर 5 फॉलोड बाय एनुअल पेमेंट ऑफ पे नाउ 0। ये तो 0 बोल रहा है यार। योर नेक्स्ट पेमेंट ऑफ 40 डॉलर विल बी चार्ज ऑन नवंबर 5, 2025। नवंबर 5, अक्टूबर, नवंबर। अच्छा हमें मिलता है कुछ दिनों का सपोर्ट, एक तो 3, 4, 5, 6। ओके ओके, 6 दिन हमें आई थिंक ये 6 से 5 दिन तक फ्री मिलेगा, उसके बाद जाके 40 डॉलर चार्ज होगा। चैट फॉलो बाय एनुअल प्लान कैंसिल एनी टाइम। तो अच्छी बात यह है कि मैं इसको 7 दिन तक करके अगर मुझे नहीं सही लगा तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। 4-5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली मैं इसको ट्राई ज़रूर करने वाला हूँ। जब भी मुझे ऐसा कुछ लगा कि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है तो इसको मैं ट्राई ज़रूर करूँगा और इसको इस प्लान को लूँगा भी। फ़िलहाल के लिए बस प्लान की बातें हो रही थी। अच्छा इसको मैंने लिंक दिया तो ज़्यादा अच्छे से काम भी कर पाया, बट दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ ये हर बार आपको इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। अभी तो उसने कॉपी किया पेज को काफ़ी अच्छे तरीके से, बट ये हर बार काम नहीं करता है, क्योंकि लैंडिंग पेज की जो नीयत थी वो काफ़ी सिंपल थी, इसलिए ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। और अभी चीज़ों को आप चेंजेस कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। इसने चीज़ों को यहाँ पे बखेर दिया है और हर एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे लाया है। और क्या होता है कि उसमें यार कि चेंजेस में प्रॉब्लम आती है। तो इसका देखो, लैंडलाइन ऐप तो मुझे बहुत पसंद है, बट चीज़ें फ्री होंगी नहीं, लिमिटेड टाइम तक सब कुछ है, समझ गए बात को, समझो? ओके, अभी हम इसमें एक चीज़ देखना चाहते हैं कि इसका जो लैंडिंग पेज या प्रीव्यू या फिर कोडिंग, हाँ कोड एडिटर में मिलता है, कोड एडिटर में हम इसमें डाल भी सकते हैं निकाल भी सकते हैं। तो कम्प्लीटली अभी इस समय लैंडल ऐप ओपन मोड में है और कम्प्लीटली फ्री है, तो अभी राइट टाइम चल रहा है लैंडल ऐप को यूज़ करने का, आप सभी कर सकते हो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार कोड एडिटर में जाता ही हूँ और मुझे HTML और CSS का ऑप्शन मिलता ही है, मैं करता हूँ HTML और CSS को डिलीट। CSS HTML को डिलीट करता हूँ, और ये बाय द वे इतना तो रह गया है। मैं जो करता हूँ कोड, और हमारा पूरा का पूरा कोडिंग खाली हो चुका है। अभी हम जाएंगे अपने HTML में, अगर बाय चांस नहीं कॉपी कर पाया, अगर लैंडल अब अच्छे से कॉपी नहीं कर पाया तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अगर ये काम किया तो। ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम होने वाला है लाइफ एक्सपेरिमेंटल। मैं यहाँ पे कोडिंग डाल देता हूँ और यहाँ पे आ गया, और CSS को मैं डाल देता हूँ। CSS में बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स विद अनसेट आई थिंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके तो ये हमारा ये पड़ गया, और फिर से हम जाते हैं और
JVJO assets and CSS. तो CSS के हम अंदर जाएंगे और CSS को हम ओपन करेंगे, ओपन विद, ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गया यहाँ पे इस तरीके से. तो HTML से स्टार्ट है और हम करेंगे इसको कंट्रोल सी और चलो यहाँ से पेस्ट करते हैं चीज़ों को, एडिट कोड. अब देखते हैं कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया है लैंडल ऐप से वो चीज़ आती है या नहीं आती है. और सही बताऊँ तो चीज़ें आई हैं और आई तो हैं बट उस हिसाब से नहीं आई हैं जिस हिसाब से मैं सोच रहा था. ठीक है, तो आप सिर्फ कोडिंग को डाल करके भी यहाँ से तो इमेजेस नहीं आती है, वो मुझे पता था क्योंकि इमेजेस का मैंने कोड यहाँ पे डाला ही नहीं क्योंकि इमेजेस में है ही नहीं. और इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करके इसका मैं प्रॉपर्टी चेक करूँगा ना तो ये बहुत ही कम होने वाला है क्योंकि इसमें इमेजेस नहीं है. और अगर यार मैं खूबसूरती की बात करूँ लैंडल ऐप की, यार इसमें सब कुछ है, जैसे कि चैनल में नाम, लैंग्वेज, एसईओ कर सकते हैं, यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कस्टम कोड डाल सकते हैं यार इसमें, हेडर और स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह में पिक्सल्स दिए हमें फेसबुक के और डायनामिक टोकिंस हैं, कन्वर्जन है, ट्रैक विजिट्स एज कन्वर्जन्स, ये सब फ्री में हमें दिया जा रहा है. और लैंडल ऐप आई थिंक अगर पेड भी जाता है ना तो मैं इसको भूलूंगा नहीं कभी. और ये हमें बस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, एसटीएल डॉट एचटीएमएल है, बूटस्ट्रैप मिन डॉट एचटीएल है. इसको डिलीट करके देखते हैं क्या होता है, एक्चुअली इन सबको डिलीट करके देखते हैं क्या होता है, या फिर इसको डिलीट करके पहले ट्राई मारते हैं, रीलोड मारते हैं क्या होता है. और रिलोड नहीं, पहले इसको हम सेव कर लेंगे, उसके बाद हम इसको रिलोड करेंगे, देखते हैं क्या होता है. मज़ा आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को इस जर्नी में. तो देखते जाओ और सीखते जाओ. हाँ तो ये है, फिर मैं करूँगा, कहाँ जा रहा था मैं यार, मैं फाइल मैनेजर में गया, मैं स्टाइल डॉट सीसेस को, अच्छा ये स्टाइल डॉट सीसेस को मैं डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद उसे मैं करता हूँ सेव, का ऑप्शन नहीं आया क्या. और ये एचटीएमएल तो रही है, मैं करूँ इसको दोबारा से रिफ्रेश और देखूँ कि क्या हालचाल है. अभी भी सीसेस हटने के बाद चीज़ें अपने दायरे में हैं या नहीं, अभी भी हैं आई थिंक. या तो सेव का मुझे ऑप्शन नहीं आया है या फिर जो भी है, या फिर मैं देख लेता हूँ कि दोबारा ये चीज़ दिख रही है मुझे या नहीं. कहाँ गया यार, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट फाइल मैनेजर लिया गया. ओके तो एचटीएमएल है, सीएसएस नहीं है. या हो सकता है कि सीएसएस अच्छे से यहाँ पे आया ही ना हो, सारा भी एचटीएमएल ही आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना. तो कोड एडिटर में जाते हैं और सीएसएस देख लेते हैं कि सीएसएस है, सीएसएस है बट सीएसएस में एरर्स हैं. एचटीएमएल बकायदे हमारे पास पूरा है और सीएसएस में रिप्लेस ऑल नहीं, रिप्लेस नहीं, मैं करूँगा उसको टोटल डिलीट और एचटीएमएल को भी करूँगा टोटल डिलीट. अब हमें पूरा ब्लैंक हो गया यहाँ पे. अब हम चीज़ों को यहाँ पे बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. तो जैसे मुझे ये बनाना हो तो ये आ गया और इसका कोडिंग आप यहाँ पे दे सकते हो कि इतने सारे से कोडिंग आ गया है, सी चीज़ इसके बैकग्राउंड में आ गया है. तो कोडिंग वोडिंग सब बैकग्राउंड में चल रही है, आपको विजुअल एडिटर मिलता है जिसमें काम जल्दी आसानी होता है और चीज़ों को आप सीख भी सकते हो आसानी से. जैसे कि मुझे एक और टेक्स्ट ब्लॉक या फिर कुछ ऐड करना हो, जैसे कि काउंटडाउन टाइमर ऐड करना हो. यार ऐड क्यों नहीं हो रहा है, शायद मैं गलत जगह इसको पेश कर रहा हूँ. ठीक है, तो कंटेनर वेंटेनर हमें बनाना पड़ेगा पहले और एडिट कर सकते हो आप इमेज को यहाँ से इस तरीके से. तो हम काम करते हैं, कंटेनर वगैरह कहाँ है इसमें, कंटेनर वेंटेनर दिख नहीं रहा मुझे यार, कैसे हुआ काम, बिना कंटेनर के काम हो रहा है क्या. एलिमेंट्स और सेक्शंस, ये सेक्शंस आ गए आई थिंक, इसमें बिना उसी का काम हो रहा है कंटेनर के. एम्प्टी ब्लॉक, ये ब्लॉक आ गया. भाई देखिए काम को और भी जल्दी बनाने के लिए ये सब जो मेथड हैं इसको आप फॉलो कर सकते हो और
चीज़ों को चेंज कर सकते हो। बहुत आसान है यार लैंड लैब, मेरे मतलब इतना अच्छा है लैंड लैब, मैं क्या बताऊँ कि पॉपअप्स हैं, पॉपअप लगा सकते हो आप यहाँ पे, और कोड एडिटर में आप इतना सारा देखो। फिर से अगर मैं इसको क्लीन कर दूँ तो हमारा कैनवस खाली हो जाएगा। अच्छा मैं करने की यहाँ पे कोशिश क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ कोशिश में, यहाँ पे कोशिश में ये करने में लगा हूँ कि एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। बॉडी हेड ओके ओके, अभी आई बात, अभी आई ऊँट पहाड़ के नीचे क्या CSS, अभी इतना सारा आ गया यार, ये क्या हो रहा है। ये मैं ऐसा करता हूँ डिलीट एडिट कोड, ये तो हट ही नहीं रहा है, इतने सारे कोड कहाँ से आ गए। एक काम करते हैं फिर से क्लीन कोड पाने के लिए हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे ऑल लर्निंग पेज, करेंगे कंटिन्यू और इसे हम करेंगे डिलीट। फिर हम एक न्यू लर्निंग पेज जाते हैं और करते हैं चूज़ फ्रॉम टेम्पलेट, क्योंकि हम इसको ये करने के बाद ही हमें एक ब्लैंक कैनवास का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, और ये रहा ब्लैंक कैनवास, हम इसे करेंगे यूज़ टेम्पलेट, उसको नाम देंगे एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड तो वन ही एक्स वाई एक्स हो चुका है, जेड वाई एक्स हो चुका है, कोई बात नहीं, हम इसको डिलीट ही करने वाले हैं, बस एक्सपेरिमेंटल है ये। और हमारे पास आ चुका है अभी ब्लैंक कैनवास बहुत ही जल्दी। इसके बाद जो हमें कोड मिलता है यहाँ पे, ये CSS में खाली है, और पुट योर बॉडी कंटेंट है, और ये क्या हैड बॉडी यहाँ पे है, हेड का सेक्शन कहाँ पे, हेड का सेक्शन नहीं दिया है, तो मैं काम करता हूँ उसको कॉपी करके, अभी आ गया हमारे पास हेड का सेक्शन, हेड और हेड यहाँ पे जाएगा, बॉडी यहाँ पे जाएगी, कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो हमें ये चीज़ पता करना है कि बॉडी कहाँ है, हेड कहाँ है, उसको पता करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि हेड कहाँ पे है, हेडर सेक्शन ओके। तो हेडर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये CSS है क्या भाई, ओके ये CSS है, हम लोग HTML पे जाएंगे, दोबारा जाते हैं, दोबारा ओपन करेंगे, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, अभी आ चुका है, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हेड कहाँ पे है, हेड नीचे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हेडर आ गया, हेडर से स्टार्ट हियर, हेडर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यार, बॉस कैसी करामात है ये। और ये कोडिंग तो मुझे कभी इतना समझ में आने नहीं वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोडिंग्स कि हम करें क्या। मान लेते कि हमारा हेडर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक बार तो मैं करूँगा, कोई भी चल रहा है क्या, मान लेते कि हम यहाँ तक इसको कॉपी किए, बॉडी फुटर सेक्शन इंट, ये फुटर था स्टार्ट, यार फेडरल सेक्शन स्टार्ट हियर, चलो इसको हम दोबारा कर लेते हैं, या एक काम करते हैं ना, ये काम हम AI को दे देते हैं सिंपल, देखते कि AI इसको कर पाता है या नहीं। तो AI में इतने सारे कोड्स तो आई थिंक डालना इम्पॉसिबल है,
बट इतने सारे मैं कोड्स डालूँ तो डालूँ कहाँ। आई थिंक ये काम पीडीएफ में जब हो सकता है, क्योंकि इतने सारे मैं कोडिंग तो पेस्ट कर सकता नहीं हूँ। ये काम आई थिंक हो जाएगा एआई के थ्रू, और इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ क्लॉड को, क्लॉड डॉट एआई। और आई थिंक इसमें बहुत सारे तरीके के हम चीज़ों को डाल सकते हैं, तो एक बार हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ज़रूर ज़रूर से ट्राई करूँगा मैं क्लॉड को। इस बार लॉगिन पेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे। चलते हैं जीमेल पे, और जीमेल पे चलने के बाद मुझे पता है कि बहुत सारे मुझे वहाँ पे वगैरह वगैरह टाइप के ईमेल्स पड़े होंगे, बट मैं क्लोज़ कर दूंगा इसको, क्योंकि मैं भी ईमेल के झंझट में नहीं बढ़ना चाहता हूँ। अभी क्लॉड आ चुका है, और क्लॉड की बात करें तो हम यहाँ पे चीज़ों को डाल सकते हैं। डालने के लिए हम इसको करेंगे कुफी और इंडेक्स, इसको हम करेंगे अपलोड, और ये कस्टम फाइल में बहुत सारी चीज़ों को अपसेट कर रहा है, तो देखते हैं कि इसको करता है या नहीं करता है। ये मात्र 78 KB का है, तो बस मैं अब इसको एक कमांड देने वाला हूँ कि सेपरेट हेडर बॉडी एंड फुटर फॉर मी टू कॉपी। ओके, ये 5 MB तक हमें बोलता है, 10 MB तक। हमने जैसे बस 78 KB का ही HTML फाइल दिया है, तो आई थिंक कोडिंग के लिए बेटर है, क्योंकि हम इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इतना सारा कॉपी अगर करेंगे टेक्स्ट, और बार्ड अगर GPT में पेस्ट करेंगे ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इट्स एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग, आप जानते हो, इसीलिए ब्लॉग काफ़ी लंबा होता है। बट बने रहो हमारे साथ। और ये क्या बोला, आई कैन नॉट प्रोवाइड लार्ज सेक्शन ऑफ कॉपीइंग मटेरियल, हाउएवर हियर द समरी ऑफ द की सेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, हेडर लोगो नेविगेशन लिंक कॉल टू एक्शन बॉडी हेडलाइन प्रोडक्ट इमेज लिस्ट ऑफ फीचर्स वीडियो इम्पैक्ट टेस्टिमोनियल्स। तो ये चीज़ हमारे पास जो आई है ना, ये मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं इसे एक सिंपल क्वेश्चन बोलता हूँ कि वेयर द हेडर स्टार्ट फ्रॉम एन यू हाईलाइट दी कोट्स। चलो सिंपल क्वेश्चन, हमें पता है कि इतने सारे चीज़ दे तो पाएगा नहीं आंसर में, क्योंकि इतने सारे बड़े बड़े आंसर वो कहाँ से दे पाएगा, तो एक तरह से खुद ही जनरेट कर रहा होगा ना उतने सारे क्वेश्चन, उतने सारे कोड्स को। तो वो नहीं चाहता हूँ कि बस मुझे इंडिकेशन हेल्प कर दें कि कहाँ से ये हेडर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से फुटर स्टार्ट हो रहा है। वैसे लिखा हुआ है कोड में, बट अगर ये नहीं कर पाया तो मैं इसे भी क्लोज़ कर दूंगा, और फिर मैं अपना मैनुअल तरीका अपनाने वाला हूँ। और एक बार का टेस्टिंग है, हमेशा तो मैं करूँगा नहीं लाइव एक्सपेरिमेंटल वीडियो में। तो काम कर रहा है ये, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली तो मैं ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली हो गया, और मैं अपना नॉर्मल जो कॉमन ब्रेन है उसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और सिंपली हम काम करेंगे, हम करेंगे हमारा जहाँ से फुटर स्टार्ट होता है ना, उसको फुट स्टार्ट हियर, तो हम इसको कर देते हैं यहाँ तक कॉपी, और करेंगे कॉपी, और देखते हैं कि ये काम किया या नहीं किया। तो ये बॉडी है, ये हेडर है, ये हेड है, हेड की बॉडी है, हेड की बॉडी यहाँ पे आ रही है। तो हम लोग पेस्टिंग कैसे करें यहाँ पे करें, एक बार देखते हैं कि क्या काम किया, अच्छे से सब कुछ चला या नहीं चला। आ चुकी है, लगभग ठीक है सब कुछ, और सब कुछ लेफ्ट में चला गया। हम इसमें एक बार इसमें हम CSS भी डाल के देख लेते हैं कि कैसा जा रहा है सब कुछ। तो इमेज नहीं, CSS में जाएंगे, और CSS को ओपन करने वाले हैं इस कोड में, और हेडर CSS यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये स्टाइल और CSS है, ऊपर यहाँ से है कलर वगैरह 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 वगैरह। हम आई थिंक कि हम लोग CSS तो कम्प्लीटली पेस्ट कर सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर ऐसा है तो मैं काम करता हूँ, मैं बॉडी यहाँ से कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
कॉपी पेस्ट, और ओके मैं इसको करता हूँ कॉपी। आई थिंक मैं ये सिस्टम, ये मेथड तो मैं नहीं अपनाने वाला हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। बट अगर मैं चीज़ों को समझ जाऊँ और इतने सारे कोड्स तो अपने आप आ गए, तो मैं करने वाला हूँ पेस्ट, खुद का जो कोड है वो पेस्ट करने वाला हूँ। ये हमारा खुद का CSS है। और ओके अभी थोड़ा चीज़ें सुधर चुकी हैं और चीज़ें लाइन पे आ चुकी हैं। हाँ इमेज नहीं है पता है मुझे, बट आई थिंक ये फिर भी अनयूजबल है, अनएडिटेबल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कोई इस प्रॉब्लम में इसको एडिट नहीं करना चाहेगा। तो सिंपल, या तो आप, ये सारे मेथड फेल हो चुके हैं मेरे, तो ये वीडियो में फेल्ड कोशिश करता हूँ। आप टेलीपोर्ट में भी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते कोड्स को, अगर इंपोर्ट भी करते तो इसी तरह की प्रॉब्लम आती जैसे लैंडालैब में आया है। तो लैंडालैब इसका एक सबूत है कि अगर ये फीचर काम भी करे तो भी ये यूज़बल नहीं है, चीज़ों को बनाना ही पड़ेगा शुरू से। और अगर जब बनाने की बात आएगी तो लैंडालैब एक समय पर जाके ये आई थिंक पेड हो जाएगा, बट अभी जब तक फ्री है तो आप लैंडालैब को भी यूज़ कर सकते हो लैंडिंग पेज बनाने के लिए। और ख़ासकर लैंडिंग पेज जब बनाने की बात हो तो मैं आपको टेलीपोर्ट ही सजेस्ट करना चाहूँगा, टेलीपोर्ट HQ। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया था वो फर्जी जीमेल से किया था, आज मैं अपने रियल जीमेल को यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। और पासवर्ड में जाकर मैं जो फर्जी वाला था उसको मैं आज डिलीट ही करने वाला हूँ। तो टेलीपोर्ट HQ में मेरे पास एक पासवर्ड पड़ा हुआ है, ये एक फर्जी जीमेल का, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ और चलता हूँ रियल रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो मैं करूँगा इसको अकाउंट डिटेल, अगर मैं इसको डिलीट कर पाऊँ तो दैट विल बी सुपर फाइन। तो मैं डिलीट करने जा रहा हूँ उसको। रिक्वेस्ट हैज ऑलरेडी सेंड, ट्राई अगेन। ओके सेव चेंजेस, इशू मॉडल डिलीट, मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि अच्छा डिलीट हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। वैसे भी ये क्या हो गया, टेस्ट टेस्टी टेस्टी। तो हम इसको करेंगे लॉगआउट और करेंगे फिर से साइनअप। तो साइनअप पे चलते हैं और हम करेंगे इसमें हम अपना रियल ईमेल एक्री। इन ऑर्डर टू साइन अप विद जी मेल प्लीज़ यूज़ साइन अप विद गूगल। ओ ऐसा क्यों है, ये साइन अप विद गिटहब कर लेते हैं क्योंकि गिटहब से ही, गिटहब मेरा मेन अकाउंट है। वैसे गिटहब में मैं, ऐसा नहीं कि गिटहब से मैं काले करतूते खान नाम करता हूँ। यू ऑल इन बैकअप, सो टेल अस अबाउट योर सेल्फ। मैं डिज़ाइन मार्केटिंग, चलो डिज़ाइन पे क्लिक कर लेते हैं, दैट्स ऑसम। स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, प्रोटोटाइप्स, कंपोनेंट्स, एप्लीकेशंस, पता नहीं यार सब कुछ मैं क्रिएट कर सकता हूँ भविष्य में, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, वुड हैव यू ट्राइड एन अल्टरनेटिव पास्ट, एडिट्रैक्स, विक्स, कस्टम वेब डेवलपमेंट, वेब फ्लो, वेब फ्लो, वेब फ्लो। मैं इसको अदर ही कर लेता हूँ क्योंकि मैं विजुअल से आया हूँ जिसमें एलिमेंटर आता है, वेक्स आता है। अभी हम आ चुके अपने रियल वाले जीमेल आईडी से। और सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इसमें अपना इमेज को लगा सकता हूँ क्या। मैं नाम दूंगा जेनरेटिव एक्स, ये मेरा कूलेस्ट नाम है बाय द वे, आप भी ले सकते हो, फ्री है। और नाम हो चुका है मेरा ये, और ये नाम काफ़ी कूल है, भले से इसमें DP लगी हो या ना लगी हो, बट अभी नाम काफ़ी कूल लगता है। और मैं लैंडालैब को बंद कर देता हूँ, भविष्य में मैं यूज़ कर सकता हूँ कुछ भी, और मेरे पास तो ये है ही। और इसमें फिग्मा वगैरह वगैरह का सपोर्ट है, डायरेक्ट गिटहब का है। अच्छा एक चीज़ और कि मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी एंड करने वाला हूँ, तो अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और जाता हूँ ऐप डॉट या फिर टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट HQ पे जाता हूँ, तो मैं लॉगिन जब करूँगा तो ये ऑप्शन आता है। एक बार ऐसे मैं अगर गिटहब से लॉगिन कर लूँ तो इस तरीके का खुलता है वर्कस्पेस।
और बस यही है अकाउंट सेटिंग में तो भाई हम चीज़ों को चेंज कर सकते नहीं हैं। मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं फिर से इसको क्लोज़ कर दिया और फिर से मैं गया हूँ टेलीपोर्ट HQ पे, तो ये मुझे डायरेक्ट लॉगिन करवाएगा या नहीं करवाएगा आई डोंट नो, बट लॉगिन ही है और डायरेक्ट हमारे वर्क स्पेस पर ये पहुँच चुके हैं। एक चीज़ और, मैं अगर मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ और जाता हूँ अभी कंटिन्यू विद जीमेल फिर से, क्योंकि इस बार मैं साइनिंग कर रहा हूँ और पासवर्ड मांगा जा रहा है, इस बार पासवर्ड तो है नहीं, फॉरगेट योर पासवर्ड, और फिर से मैं देता हूँ रिसेट पासवर्ड, थैंक यू वी सेंट, तो मैं फिर चेक करूँगा अपने जीमेल को और डेफिनेटली मुझे एक पासवर्ड आना चाहिए और आया भी, और जब ऐसा होगा तो आई थिंक मैं इसमें रजिस्टर कर बैठूँगा। ये क्या बोले, स्क्रीन कोड पब्लिश टुगेदर विल स्टार्ट, ओके नहीं आया क्या? अगर नहीं आएगा तो फिर तो प्रॉब्लम है। फ्रीलांसर, फ्रीलांसर पे एक वीडियो आ रही है बहुत जल्दी आप सभी के लिए, कैसे काम को खोजते हैं वहाँ पे, मैं बात करूँगा उसके बारे में। वेब टू नेटिव और एम्बिशन होस्ट, ये ओवरड्यू चल रहा है मेरा यार 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 यार, मैं क्या ही बोल रहा था, ट्राई रिसेंडिंग इट, आई थिंक ये रिसेंड नहीं कर रहा है, पासवर्ड को नहीं सेंड कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि डायरेक्ट हम गिटहब से काम करें। तो कोई बात नहीं, हम लॉगिन पे चलते हैं दोबारा, या तो मैं अलग से इसके लिए कोई अकाउंट बना लूँ या तो साइन विद गिटहब कर लूँ, आई थिंक गिटहब ही ठीक है, एक बार लॉगिन हो जाएगा तो ये डायरेक्टली खुलेगा इस तरीके से, और इसको मैं अगली बार जब जाऊँगा तो मैं डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पे पहुँच जाऊँगा इस तरीके से टेलीपोर्ट HQ पे। चले आए हैं हम, और लॉगिन भी क्रिएट करने के बाद ये आ गया प्ले डॉट टेलीपोर्ट डॉट HQ, तो हम सीधे आएंगे प्ले डॉट डॉट टेलीपोर्ट HQ और हम करेंगे सीधे यहाँ पे, और हम पहुँच गए सीधे अपने डैशबोर्ड में। तो प्ले से स्टार्ट करना है हमें, फिर आती है बात वन दी फ्री प्लान, यू आर लिमिटेड टू वन प्रोजेक्ट ओनली, फॉर अनलिमिटेड प्रोजेक्ट कस्टम डोमेन वर्सल इंटीग्रेशन एंड ए होल लॉट मोर, अपग्रेड योर वर्क स्पेस। 15 यूरो पर मंथ, जो कि मेरे बस के बाहर की बात है, एक बार ही कर सकते हैं, वेन बिल्ड एनुअली रेट पर मंथ, वेन बिल्ड एनुअली, ये एक साल का पैसा मांग रहा है कि $15, चूज $15 पर मंथ, नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, $15 पर मंथ कौन दे कर पाएगा। हालांकि मैं कोड को फ्री कोड एक्सपोर्ट में क्या क्या, पहले हम फ्री में देख लेते हैं क्या मिल रहा है, कि फ्री है एवरीथिंग यू नीड टू गेट स्टार्टेड विद टेलीपोर्ट, बिल्ड शेयर एंड पब्लिश योर प्रोजेक्ट, 0 यूरो पर मंथ, फ्री फॉर एवर, ये हमेशा फ्री रहेगा जो कि अच्छी बात है, और ये प्राइसिंग प्लान मुझे लैंडर लैब में तो नहीं दिखती है। अगर लैंडर लैब की बात करूँ मैं, यार लैंडर लैब, लैंडर लैब, लैंडर लैब डॉट आयो, आयो पे गया और गेट स्टार्टेड फ्री, यहाँ पे कोई प्राइसिंग की बात ही नहीं हो रही है दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है, इसलिए ये कम्प्लीटली फ्री है, इसकी प्राइसिंग बहुत तगड़ी होने वाली है मुझे पता है, ये फाड़ के रख देगा आई थिंक जब इसकी प्राइसिंग आएगी तो, बट ये है फ्री फॉर एवर, इसलिए मुझे लैंडर लैब से डर लग रहा है, और ये है टेलीपोर्ट का फ्री फॉर एवर जिन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो वन प्रोजेक्ट है उसमें आप अनलिमिटेड कोलाब्रेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है, रियल टाइम कोलाब्रेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है, फ्री रेडीमेड टेम्पलेट्स इसकी ज़रूरत है, फ्री कोड एक्सपोर्ट जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कम्युनिटी सपोर्ट भी है, बेसिक होस्टिंग में होस्टिंग अंडर टेलीपोर्ट HQ जो कि अच्छी बात है, फिलहाल एक ही तो जरूरत नहीं है, 5 MB ऑफ एसेट्स पर प्रोजेक्ट, तो 5 MB तक की प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है और लिमिटेड बैंडविथ है, तो हम इसकी बैंडविथ ना यूज़ करने वाले हैं और इतना हम जाएंगे नहीं, होस्टिंग उसमें करना है नहीं, हमें ये चाहिए जो सबसे मेन है। फिर प्रोफेशनल ये आता है, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट, अनलिमिटेड व्यू ओनली कोलाबोरेशन कंपोनेंट, अपलोड वीडियोस, अच्छा इसमें वीडियोस नहीं है इसमें अपलोड कर सकते हैं,
प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट इंक्लूड्स पब्लिशिंग ऑन 3 कस्टम डोमेन्स, 1 GB ऑफ एसेट पर प्रोजेक्ट, 200 GB बैंडविड्थ गजब पर मंथ, इंटीग्रेशन विद वर्सेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि बैंडविड्थ अच्छी है इसमें और इंटीग्रेटेड विद वर्सेल है। इसका मतलब हम वन क्लिक में जो चेंजेस करने हैं वो हमारी लाइव हो जाएगी, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट हमें सबसे मेन हमारा फ्री कोड एडिट एक्सपोर्ट का है, तो सबसे मेन है। अब चलते हैं गेट स्टार्टेड पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें शुरू कर सकते हैं चीज़ों को। और ये आ गया हमारा जेनरेटिव एक्स का प्लेटफॉर्म और हम करेंगे आज एक इसमें न्यू वर्कस्पेस, या फिर हमारा वर्कस्पेस यहाँ पे आ चुका है। तो हम या तो स्टार्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, या इम्पोर्ट फ्रॉम फिग्मा कर सकते हैं, ब्लैंक टाइप पेट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं करूँगा स्टार्ट बिल्डिंग पे और स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक कैनवस। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे कोई ऑर्डर आती है जिसमें मुझे कस्टम काम करना होगा तो मैं टेलीपोर्ट एचक्यू को यूज़ करके एक सिरे से फ्रॉम स्क्रैच से एक वीडियो करूँगा। अच्छा यहाँ फ़ोटो आता है क्या? ये मेरा फ़ोटो आ गया यहाँ पे, इसको चेंज कर सकते हैं क्या? प्रोफाइल अकाउंट, अकाउंट सेटिंग, और ये अकाउंट सेटिंग मुझे यहाँ तक ले आता है, कोई बात नहीं। तो आई थिंक मैं जाता हूँ गिटहब में, अगर मुझे फ़ोटो चेंज करना होगा तो आई थिंक मैं गिटहब में कर सकता हूँ। तो गिटहब में जाने के बाद मैं जाता हूँ योर प्रोफाइल और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ओके, एक बार करके देखता भी हूँ और मैं करने वाला हूँ इसको। सेट न्यू प्रोफाइल पिक्चर और सुमित्र भी नाम आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो अपडेट प्रोफाइल मैं कर लेता हूँ। एक बार ये आ चुका है, अपडेट हो चुका है, नाम मेरा ये इस समय शो हो रहा है अकाउंट में ही। चेंज यूज़र नेम, चेंजिंग योर यूज़र नेम हैव ए अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट इसलिए नहीं करेंगे। और बस हमें गिटहब में ज़्यादा काम है नहीं, हमने चेंजेस कर लिए हैं। अब देखते हैं कि अरे ये तो हुआ भी नहीं, क्यों नहीं हुआ? हाँ यहाँ तो शो कर रहा है, शो कर रहा है, शो कर रहा है, शो कर रहा है। देखते हैं एक बार फिर से इसको रीलोड करके कि यहाँ पे चेंजेस हुए कि नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ से इसको पकड़ाया है। अभी भी आई थिंक नहीं आया, बाद में देख लेंगे, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इतना मैं समझ चुका हूँ कि टेलीपोर्ट एचक्यू में हम लोग को इस स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें कुछ मिल जाते हैं सपोर्ट सेक्शंस के तो हम वहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे हेडिंग हेडर पे जाना हो, जैसे कि मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूँ, ये आ गया, हम इसमें चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, नेविगेशन, ये आ गया, ये इमेज है, ये नेविगेशन बार है और ये वगैरह वगैरह है। फिर एक्सप्लोर में जाते हैं, न्यू पेज, न्यू कंपोनेंट, फिर जाते हैं प्लस पे सेक्शन, मान लेते हैं कि मुझे हीरो सेक्शन में जाना है तो हीरो सेक्शन में इसको यहाँ पे चलाएंगे। और बहुत आसानी से हम चीज़ों को चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे इसको चेंज करना होगा तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे हरामी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों डेफिनेटली इस पर वीडियो आएगा, वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है, ये एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बोल लो या फिर एक्सपेरिमेंटल वीडियो बोल लो, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में कोई एंडिंग होती है, यहाँ पे कोई एंडिंग नहीं थी। और फिर से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट बन चुका है जिसको मुझे डिलीट करना है क्योंकि बिना डिलीट किए ये काम होगा नहीं, करता हूँ डिलीट। तो फिर भी हमारे पास लिस्ट में टेलीपोर्ट एच क्यू है और इसको भी क्लोज कर लेता हूँ, टेलीपोर्ट एच क्यू है और लैंडर लैब है जो कि अच्छी बात है, और इन दोनों को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो करने वाला हूँ, किसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझे कि एक थंबनेल पे वीडियो करें, वीडियो ना थंबनेल पे, तो वो वीडियो अब आने वाली है।
नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूँगा. ओके, सी यू.